हे गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटा भी दबा दीजिए। और हाँ, यूट्यूब की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको घंटे के हिसाब से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइस, एनाइलेशन स्कर्ज के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फंटास्टिक फोर को नेगेटिव जोन में चल रही तबाही के बारे में पता चलता है और वो लोग नेगेटिव जोन की मदद के लिए पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना कैंसर वर्स के फंटास्टिक फोर के साथ होता है, जहां इस अर्थ के फंटास्टिक फोर कैंसर वर्स के फंटास्टिक फोर को मार देते हैं, या फिर यू कहे कि वो खुद मारे जाते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि रीड रिचर्ड्स ने ही सेंट्री को नेगेटिव जोन में भेजा था ताकि सेंट्री अपने आप से द वर्ल्ड को अलग कर सके, और वही कैंसर के नेगेटिव जोन में आने का कारण है। इस एपिसोड में हम नोवा के पर्सपेक्टिव से इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नोवा मार्वल यूनिवर्स के अंदर उसकी अब तक की स्टोरी बता रहा है। नोवा बोलता है, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? वेल, ये तो वही पुरानी कहानी है। मैं लॉन्ग आइलैंड में एक हाई स्कूल का बच्चा हुआ करता था, जो कि अंकल फज के पास चॉकलेट शेक खरीदने गया था, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक मरते हुए प्लेनेट के आखिरी वॉरियर के साथ हुई, जिसने उस बच्चे से कुछ भी पूछे बिना उसे नोवा प्राइम की पावर दे दी और उस बच्चे को जेंडार प्लेनेट का डिफेंडर बना दिया। वो बच्चा अपने आप को नोवा बुलाता है। कुछ टाइम बाद नोवा अपनी पावर्स खो देता है, लेकिन फिर वो एक ग्रुप को ज्वाइन करता है जिसका नाम है न्यू वॉरियर, जो नोवा को उसकी पावर्स वापस हासिल करने में मदद करते हैं। और जैसे ही उसके पास पावर्स वापस आ जाती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वापस आ जाती है। वो गैलेक्टिक नोवा कोर्प्स को बनाने में मदद करता है, जो कि हर अच्छी चीज के डिफेंडर्स बनते हैं। जब एनालिस नेगेटिव जोन से बाहर निकलकर मेन यूनिवर्स के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर करता है, तब एनालिस सारी नोवा कोर्प्स को मार देता है, सिर्फ नोवा बच जाता है। अब नोवा यूनाइटेड फ्रंट के साथ मिलकर एनाइलस को रोकता है। उसके बाद कुछ स्पेस गॉड्स स्पेस को चीर डालते हैं। लोग मानते हैं कि ये रियलिटी में एक छेद है और इसे द फोल्ट का नाम देते हैं। जब मैं उस छेद के अंदर था, तब मेरा सामना कैंसर वर्स से हुआ, जो कि मेरे जैसा यूनिवर्स था, लेकिन सब कुछ नरक था, जहां हर कोई तड़पता है लेकिन कोई नहीं मरता। इसके बाद थैनोस वहां भी आ गया, और तब स्टार लॉर्ड और मैं भी कैंसर वर्स के अंदर रुक गए, ताकि थैनोस कैंसर वर्स से कभी बाहर ना निकल पाए। लेकिन आखिरकार थैनोस बाहर निकल गया। मैंने स्टार लॉर्ड को बाहर निकलने में मदद की, लेकिन मैं वहीं रुक गया, एक ऐसी नरकीय जगह में जहां तुम्हें कभी मौत नहीं आ सकती। लेकिन आखिरकार मैं बाहर निकल आया, वापस अर्थ पे आ गया, जहां पहुंचकर मुझे पता चला कि मेरा डैड मर चुका था और मेरी जगह पे कोई और बच्चा नोवा बन चुका था, जिसका नाम सैम अलेक्जेंडर था। हालांकि मैं ये रियलाइज नहीं कर पाया कि मैं अपने साथ कैंसर वर्स से कौन सी बीमारी लेकर आया था। तब सैम और मैं वापस कैंसर वर्स के अंदर गए ताकि मुझे ठीक किया जा सके। सैम एक अच्छा बच्चा है। तब मैंने अर्थ को सैम के हवाले कर दिया और वापस स्पेस में आकर नोवा कोर्प्स को फिर से बनाने में मदद की। लेकिन जब मैं एक मिशन पे गया हुआ था, तब बाकी सारे नोवा कोर्प्स मारे गए फिर से। अब मैं नहीं जानता था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं, और फिर मैं शराब पीने लग गया। तब तक मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन फिर मैंने एक स्पेसशिप को देखा जो कि उस स्पेस स्टेशन की तरफ आ रहा था, जहां बैठकर मैं दारू पी रहा था। और देखो तो मुझे उस स्पेसशिप के अंदर क्या मिला। एनालिस बोलता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हमें नोवा कोर्प्स चाहिए। नोवा बोलता है, अगर मैं तुम्हारे कॉकरोच वाले पिछवाड़े को यहाँ से बाहर फेंकने की नहीं सोच रहा होता, तब भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि सारी नोवा कोर्प्स मर चुकी है। एनालिस बोलता है, तब तो हम भी मर चुके हैं। नोवा पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है? तभी नोवा को जोर की आवाजें सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पे बड़े बड़े क्रिएचर्स आ चुके हैं। एनालिस बोलता है, ये मेरे क्रू के लोग हैं, लेकिन सब लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। नोवा उन क्रिएचर्स के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ी सी पी रखी है, तो अगर मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार दूँ, तब भी याद रखना कि मैंने थोड़ी सी पी रखी है। और ये क्या, ये क्रिएचर्स गिर क्यों नहीं रहे हैं? नोवा और पावर लगाता है और उस क्रिएचर का सिर फोड़ देता है और बोलता है, एक तो मारा गया, अब किसकी बारी है। लेकिन तब नोवा उस फटे हुए सिर वाले क्रिएचर के सिर के अंदर से टेंटिकल्स को निकलते हुए देखता है और कहता है, ठीक है, अब तो मैं पूरा बंद हो चुका हूँ, पीछे हट जाओ। जिसपे वो क्रिएचर बोलते हैं, हमें नहीं पता था कि हमारी मुलाकात तुमसे दोबारा होने वाली है, लेकिन तुमने आकर हामी को ढूंढ लिया। कैंसर वर्ष से अच्छी कोई भी लाइफ नहीं है। लेकिन तब नोवा एक क्रिएचर को चीर कर उस शिप से बाहर निकल कर बोलता है, होश में रहो राइडर, तुम्हें सपने आ रहे हैं या फिर किसी ने तुम्हें ड्रग दे रखी है। कैंसर वर्ष यहाँ पे नहीं हो सकता, ये सब असली नहीं है। तब वो क्रिएचर भी नोवा के पीछे पीछे बाहर आने लगते हैं। नोवा बोलता है, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल असली लग रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे सारे बुरे सपने एक साथ आ चुके हैं, काम पे जाने का टाइम आ चुका है। क्रिएचर बोलते हैं, रिचर्ड राइडर, हमारे साथ मिल जाओ।
लेकिन नोआउ शिप को पास के सूरज की तरफ धकेलने लगता है। क्रिएचर बोलते हैं, तुम जानते हो कि तुम हमको नहीं रोक सकते, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमें मारा नहीं जा सकता, हम हमेशा जिंदा रहेंगे। नोआ बोलता है, तब तो तुम हमेशा के लिए चलते रहो, और उस शिप को सूरज के अंदर धकेल देता है। तभी एकदम से एनालिस्ट उसके पीछे आकर बोलता है, बहुत अच्छा काम किया अर्थलिंग, मुझे लगा था कि तुम हार जाओगे। नोआ बोलता है, ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा दिया। एनालिस्ट पूछता है, क्या तुमने सोचा था कि जब तुम उस शिप को सूरज के अंदर धकेल रहे थे तब मैं उसके अंदर हो सकता था? नोआ कहता है, नहीं सोचा था। एक मिनट, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? मैंने बिल्कुल सोचा था। वैसे भी मैं तुमको सूरज में धकेलने वाला था क्योंकि तुम यहाँ पे कैंसर वर्ड्स को लेकर आए हो। इनफैक्ट मैं अभी तुम्हें सूरज में धकेल दूंगा, तुम मेरे यूनिवर्स को खत्म कर सकते थे। एनालिस्ट बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, कैंसर वर्ड्स मेरे यूनिवर्स को खत्म करने में लगा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए नोआ। ये सुनकर नोआ हंसने लगता है और पूछता है, क्यों ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, मैं तुम्हें इस सूरज में ना फेंक कर तुम्हें तुम्हारे घर भेज देता हूँ। अब तक ये लोग उस प्लेनेट के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पे नेगेटिव जोन का पोर्टल खुला था। नोआ पूछता है, क्या तुम्हें पक्का लगता है कि तुम यहीं से आए थे? एनालिस्ट बोलता है, बिल्कुल, मेरी शिप इस प्लेनेट के ऊपर अपीयर हुई थी, और एक बार मैं अपनी मदद के लिए इस डायमेंशन से योद्धाओं को ढूंढ लेता तब मुझे इस सिग्नल डिवाइस को फिर से एक्टिवेट करना था जिससे ब्लास्टर वो पोर्टल खोल देता और हम फिर से नेगेटिव जोन में चले जाते। नोआ पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है कि कोई भी तुम्हारी मदद करेगा? एनालिस्ट बोलता है, मदद के बिना नेगेटिव जोन हार जाएगा। नोआ बोलता है, तुम तो मुझे और चौंका रहे हो, उस डिवाइस के बटन को फिर से दबाओ। अब एनालिस्ट पोर्टल खोलने के सिग्नल को फिर से भेजता है और बोलता है, अगर मेरी डायमेंशन हार गई तो उसके बाद तुम्हारी बारी है। नोआ बोलता है, अगर वो लोग ऐसा करते हैं तब मैं उनके साथ लड़ूंगा। एनालिस्ट पूछता है, तो क्या तुम मुझे मरने के लिए अकेला भेज दोगे? नोआ देखता है कि अब तक वो पोर्टल खुला नहीं है और पूछता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? एनालिस्ट बोलता है, मुझे लगता है कि मेरा प्लेनेट हार चुका है, ब्लास्टर ने वो पोर्टल डिस्ट्रॉय कर दिया होगा ताकि वो लोग इस डायमेंशन में ना आ सकें। और गाइस हम देख सकते हैं कि वो पोर्टल अब भी थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि ये दोनों उसके आर पार जा सके। जिस पे नोआ बोलता है, डैम इट, चलो यहाँ से चलते हैं, मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद ये लोग फोरियांसी स्ट्रीट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे फंटास्टिक फोर का घर है। नोआ को देखकर एक कबूतर अजीब बिहेव करने लगता है। एनालिस्ट पूछता है, ये तुम्हारा ही प्लेनेट है ना? नोआ बोलता है, हाँ मुझे यहाँ पे आए हुए काफी टाइम हो गया, और कबूतर तो हमेशा अजीब बिहेव करते हैं। एनालिस्ट पूछता है, क्या तुम इनका खाना बनाते हो? नोआ कहता है, बिल्कुल, तुम एक दो को पकड़ सकते हो, ये बहुत मजेदार होते हैं। नोआ एक घर के पास पहुँच कर बोलता है, यही वो घर होना चाहिए। एनालिस्ट बोलता है, तुम पिछले वाले घर के ऊपर भी यही कह रहे थे। नोआ बोलता है, लोग घर चेंज कर लेते हैं, और जब उन्होंने घर चेंज किया होगा तो मुझे नहीं बताया होगा। तब फ्लैंकलिन और वलेरिया अंदर से गेट खोलते हैं। नोआ बोलता है, ओ वाओ, तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो, क्या बाकी की फंटास्टिक फोर घर पे है? लेकिन वलेरिया मना कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। नोआ फिर से नोक करता है और बोलता है, लगता है कि उन्होंने मुझको पहचाना नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बच्चों को अच्छी तरीके से हैंडल करना जानता हूँ। हे बच्चों, माफ कर देना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन वलेरिया मना कर देती है और फिर से दरवाजा बंद कर देती है। एनालिस्ट बोलता है, लगता है कि उन्होंने तुमको पहचाना नहीं, और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये रिचर्ड के बच्चे हैं। नोआ अपनी पावर्स को चालू करते हुए बोलता है, ठीक है बाढ़ में जाए, हम अंदर जाकर रहेंगे। एनालिस्ट पूछता है, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? नोआ उस दरवाजे को तोड़ते हुए बोलता है, आखिर ये क्या ही कर लेंगे, ये तो छोटे बच्चे हैं। लेकिन अंदर जाकर देखता है कि फ्रैंकलिन और वलेरिया गन्स लेकर खड़े हैं। नोआ बोलता है, वो ओके ओके ओके, इसमें मेरी गलती थी, माफ कर देना, लेकिन हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम लोग मुझे जानते हो? लेकिन बच्चे मना कर देते हैं। एनालिस्ट बोलता है, मैं कोशिश करके देखता हूँ, मैं बच्चों को अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ, अपने लॉर्ड एनालिस्ट के सामने झुक जाओ बच्चों। लेकिन ये बच्चे एनालिस्ट के ऊपर गन चला देते हैं। अगला सीन 45 मिनट बाद का होता है। एनालिस्ट बिस्तर पे बेहोश पड़ा हुआ है। नोआ पूछता है, क्या तुम ये पोर्टल खोलना जानते हो? वलेरिया बोलती है, ये एक छोटा मोटा डायमेंशनल पोर्टल है, इसे चलाना भला कितना ही मुश्किल हो सकता है? नोआ कहता है, पता नहीं, शायद बहुत मुश्किल। तभी एकदम से एनालिस्ट जाग जाता है। नोआ बोलता है, वो गुड मॉर्निंग स्वीट आर्ट, वैसे तुम्हारी मूछें काफी अच्छी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं वृद्धाश्रम में आ गया हूँ। एनालिस्ट पूछता है, क्या चल रहा है? नोआ बोलता है, जब इन बच्चों ने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई उसके बाद ये हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए, लगता है कि तुम बच्चों को अच्छी तरीके से संभाल लेते हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे डायमेंशन के कुछ रेफ्यूजीज यहाँ पे आए थे, इसलिए कल फंटास्टिक फोर नेगेटिव जोन में चले गए ये पता लगाने की क्या चल रहा है। फ्रैंकलिन और वलेरिया चाहते हैं कि हम जाकर उनकी मदद करें और इनके घर से बाहर निकल जाएं,
अब वलेरिया नोवा को एक डिवाइस देते हुए बोलती है, जब तुम्हारा घर वापस आने का मन करे तो इसका बटन दबा देना और फिर मैं ये पोर्टल खोल दूंगी। नोवा पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? जिसपे वलेरिया मना कर देती है और फिर ये बच्चे नोवा और एनालिस को नेगेटिव जोन के अंदर प्लेनेट ओरी के मून पे छोड़ आते हैं। घुसपैठ को 42 दिन बीत चुके हैं। नोवा पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ पे हैं? एनालिस बोलता है, हाँ, उस मून के ऊपर जो प्लेनेट ओलरिक के चक्कर लगाता है। नोवा पूछता है, तो मुझे लगता है कि जब तुम इस प्लेनेट को छोड़कर गए होगे तब ये जल नहीं रहा होगा। एनालिस बोलता है, नहीं, ओलरिक एक वॉरियर्स का प्लेनेट है जो कभी घुटने नहीं टेकते। नोवा पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम इस डायमेंशन को 3 दिन पहले छोड़कर गए थे, आखिर कौन सी ऐसी चीज होगी जिसने 3 दिन के अंदर एक प्लेनेट को जला दिया? एनालिस बोलता है, वो तुम्हारे डायमेंशन के 2 दिन थे। यहाँ पे टाइम अलग तरीके से चलता है, यहाँ मुझे गए हुए महीनों बीत चुके हैं। नोवा बोलता है, हाँ, अब हमें फंटास्टिक फोर को ढूंढ लेना चाहिए। तभी नोवा को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह एनालिस को चुप रहने के लिए कहता है, जिसपे एनालिस एक गन निकाल लेता है। नोवा पूछता है, क्या तुमने ये गन उन बच्चों से चुराई है? एनालिस बोलता है, हाँ, इससे उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। ये बहुत ताकतवर लग रही है और कैंसर वर्स हमारे पास आ रहा है। नोवा बोलता है, तुम छिप जाओ, मैं उनको यहाँ से दूर भगाता हूँ। और फिर नोवा इन्फेक्टेड लोगों के बीच से होकर गुजरता है, जिससे वो सब लोग नोवा के पीछे लग जाते हैं। इधर एनालिस कह रहा है, अब ये गधा कहाँ मर गया? तभी नोवा एनालिस के पास आकर बोलता है, मैं उनको पीछे छोड़ आया हूँ, लेकिन यहाँ पे और भी लोग हैं। जब तक कि हमें इस प्लेनेट से निकलने का रास्ता नहीं मिल जाता, तब तक हमें छुप जाना चाहिए। एनालिस पूछता है, क्या तुम अभी इस पूरे चांद का चक्कर लगाकर आए हो? नोवा बोलता है, ये कोई बड़ा चांद नहीं है। एनालिस बोलता है, वो लोग पहले ही हमारे पीछे पड़े हुए थे और तुम उनको अपनी फोटो दिखा के आ गए। उनको कैसे पता कि हम यहाँ पे आने वाले थे? लगता है कि उन रिचार्ड के बच्चों ने हमको धोखा दिया है। तभी कुछ बग्स गुफा में से बाहर निकल आते हैं और इन दोनों से बोलते हैं, वो लोग तुम्हें नहीं ढूंढ रहे थे, वो हमें ढूंढ रहे थे। और लॉर्ड एनालिस, आपको वापस आया देखकर अच्छा लगा। घंटों बाद ये सब लोग एनालिस के साथ गुफा के अंदर होते हैं। नोवा बग्स को बता रहा होता है कि वो लोग पोर्टल से यहाँ पे कैसे आए और पूछता है, क्या तुम्हें और कुछ पूछना है? बग्स बोलते हैं, लेकिन हम तो लॉर्ड एनालिस से पूछ रहे थे कि वो यहाँ पे कैसे आया। एनालिस बोलता है, मैं वापस आया क्योंकि मुझे आना पड़ा उनको बचाने के लिए जो खुद को नहीं बचा सकते, कमजोर और कायरों को। अब नोवा उन बग्स से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आए? बग्स बोलते हैं, कैंसर वर्स के घुसपैठियों ने हमारे प्लैनेट के ऊपर अटैक कर दिया। हम उनसे कई दिनों तक लड़ते रहे, लेकिन तब हमें अकल आई कि हम उनसे जीत नहीं सकते। इसलिए जब हमको लगा कि ये प्लेनेट हार जाएगा, तब हमने उनसे उनकी जीत छीन ली। नोवा बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। एनालिस बोलता है, इस प्लेनेट के योद्धा कभी सरेंडर नहीं करते। उनका प्लेनेट जल रहा है क्योंकि इन्होंने ही अपने प्लेनेट में आग लगाई है और फिर ये कायर यहाँ पे आकर छुपे हुए हैं। बग्स बोलते हैं, ये सच है, हमने डर के मारे एक शिप चुरा ली, लेकिन हम स्टार सिस्टम से दूर नहीं भाग पाए। उनके पास हमें रोकने के लिए बहुत सारी शिप थी, तो हम कायरों की तरह इस गुफा में छुपे हुए हैं। लॉर्ड एनालिस, क्या आप अब भी हमको बचाएंगे? एनालिस बोलता है, लॉर्ड एनालिस सबको बचाएगा। कुछ टाइम बाद नोवा देखता है कि उसका हाथ कांपने लगा है। एनालिस पूछता है, क्या तुम बीमार हो? नोवा कहता है, नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। हम लोग दुश्मन के जहाज का यूज करके इस प्लेनेट से भाग सकते हैं, लेकिन उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। एनालिस बोलता है, तुम बहुत बहादुर हो जो किसी दूसरे की लड़ाई में लड़ रहे हो। नोवा कहता है, अगर तुम्हें जिंदा लोगों की चिंता है तो दूसरों की लड़ाई जैसी कोई चीज नहीं होती। एनालिस बोलता है, ये बातें तुम्हारी कमजोरी दिखा रही है, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि जब मैंने तुमको अपनी शिप के बाहर देखा तो मैंने एक बहादुर योद्धा को देखा था। नेगेटिव जोन के अंदर भी नोवा को सबसे महान वॉरियर्स माने जाते हैं। शायद ये बहुत पुरानी बात है और तुमको पता भी नहीं होगी, लेकिन नोवा कॉर्प्स के एक आदमी ने मुझे लड़ाई में मार दिया था, हालांकि मैं वापस जिंदा हो गया। नोवा पूछता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो तो मैं था, मैंने तुमको मारा था। और हम देखते हैं कि पास में ही एक बग बच्चा रो रहा होता है। एनालिस बोलता है, नहीं, वो तुम नहीं थे। नोवा पूछता है, तुम्हें यह सब याद कैसे नहीं है? एनालिस कहता है, सब इंसान एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस इंसान ने मुझे मारा वो बहुत निडर और डरावना था, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम तो बहुत घटिया दिखाई दे रहे हो। अब एनालिस उस बच्चे को चुप करवाने के लिए बोलता है। बच्चे की माँ बोलती है, वो भूखा है, हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। एनालिस बोलता है,
मैम अगर ये रोता रहेगा तो हमारे दुश्मनों को पता चल जाएगा, ये बच्चा मुझे दो, मैं उसके साथ वो करता हूँ जो जरूरी है। लेकिन नोवा एनाहिलस को बच्चे को मारने से रोक लेता है और बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने वाले थे। एनाहिलस बोलता है अगर हमारे दुश्मनों को इस बच्चे की आवाज़ सुनाई दे गई तो हम सब वैसे भी मारे जाएंगे। नोवा बोलता है हमारे पास कोई दूसरा रास्ता होगा, हम इस बच्चे को नहीं मार सकते। एनाहिलस कहता है अपने दुश्मनों से बचने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तभी बक्स बताते हैं कि दुश्मन ने हमको सुन लिया है और वो इसी तरफ आ रहे हैं। एनाहिलस कहता है लगता है कि तुमने हम सब की मौत पक्की कर दी है, अब हम सब मारे जाएंगे। तब नोवा पत्थर को हटवाता है और बोलता है मैं उनको रोके रखता हूँ, तुम इन सबको शिप के पास लेकर जाओ और यहाँ से बाहर निकल जाओ, और एनाहिलस अगर इनमें से एक भी मारा गया तो तुम मारे जाओगे। एनाहिलस कहता है वो तो हम देख लेंगे। और फिर नोवा कैंसर वर्स की आर्मी की तरफ बढ़ जाता है। बड़ी आसानी से नोवा कैंसर वर्स की आर्मी को भून डालता है और बोलता है खड़े हो जाओ, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। एनाहिलस बोलता है वो मर चुके हैं। लेकिन नोवा कहता है कैंसर वर्स कभी नहीं मरता, ये बस वेट कर रहे हैं, ये जल्दी खड़े होने वाले हैं और तुम भी ये सब देखोगे। एनाहिलस कहता है तुम नेगेटिव जोन के अंदर हो, यहाँ पे चीजें अलग तरीके से काम करती हैं। यहाँ पे जो मरने वाला होता है वो जिंदा रह जाता है और जो मर नहीं सकता वो भी मारा जाता है। नोवा चेक करता है कि ये सच में मर चुके हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर ये सब यहाँ मर सकते हैं तो हमें यही इनके साथ लड़ाई करनी होगी, लेकिन अगर ये लोग मेरी डायमेंशन में पहुंच जाएंगे तो इनको कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ पे हम कैंसर वर्स को हरा सकते हैं। एनाहिलस बोलता है मुझे खुशी है कि तुम सच्चाई देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दुश्मन सेना के बाकी लोग भी आ रहे हैं। नोवा बोलता है बढ़िया है, मैं कब से इसी का वेट कर रहा था। और फिर नोवा एक बार फिर से कैंसर वर्स की आर्मी के साथ लड़ने लगता है। नोवा बड़ी आसानी से उनको हराने लगता है, लेकिन तभी कोई चीज नोवा से आकर टकराती है। नोवा बड़ी जोर से नीचे जाकर लगता है और पूछता है ये क्या था जिससे मैं टकराया? तब सेंट्री उसके पास आता है और बोलता है मैं था। नोवा कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो सेंट्री हो है ना? सेंट्री बोलता है मेरे कई नामों में से एक नाम ये भी है। नोवा कहता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे उन सब से मिलकर अच्छा लगता है जो कैंसर वर्ड से इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन खासकर तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या तुम यहाँ फंटास्टिक फोर के साथ आए हो? सेंट्री बोलता है नहीं, लेकिन मैं भी उनको ढूंढ रहा हूँ जॉनी स्टॉर्म ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। नोवा बोलता है ठीक है मैं समझ गया, तुम एक बुरे आदमी हो। नोवा सेंट्री को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेंट्री नोवा की टांग पकड़कर उसे नीचे मारता है और बोलता है तुम ऐसे ही नहीं सोच सकते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, मैं एक बड़ी चीज की सेवा करता हूँ, वैसे तुम काफी जोर से मारते हो। अब सेंट्री रिवेंजर से बोलता है इसको उठा लो, यही तुम्हारा तोहफा है। नोवा बोलता है ऐसा मत करो, तुम उनके जैसे नहीं हो। सेंट्री कहता है मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारी सोच काफी मिलती जुलती है। बाय द वे क्या तुम्हें रिवेंजर्स याद हैं? लेकिन इनको तुम याद हो, ये तुम्हारे बारे में बातें करने से नहीं रुकते। नोवा बोलता है प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अब कैप्टन बोलता है तो तुम वही हो जो पहले भी हमारे चंगुल से भाग गए थे, एक बार हम तुमको कन्वर्ट कर दें तो तुम कहीं भी भाग सकते हो। लेकिन तब नोवा पोर्टल खुलने का बटन दबाता है और वहां से भागते हुए बोलता है नहीं मुझसे दूर हट जाओ, मैं फिर से इन्फेक्ट नहीं होना चाहता। उधर बक्स नोवा को आसमान में जाते हुए देखते हैं, उनको लगता है कि नोवा आजाद हो चुका है, लेकिन तभी वो लोग नोवा को पोर्टल में से वापस जाते हुए देखते हैं। एनाहिलस बोलता है शिप्स को तैयार कर लो, हमें अभी जाना होगा और कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा, नोवा ने हम सबको छोड़ दिया है, हमें अपनी जान खुद बचानी होगी।